आप यहां से नमस्ते प्रणाम। जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे भाई और मेरे गार्जियन स्वरूप लोग, सबका प्यार आशीर्वाद जिस तरह मुझे मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहे। और एक मेरा कार्यक्रम है आप सबके बीच में, परसों 16 तारीख को आरा में, और उत्सव पांडे जी बाबा प्रणाम, और मैं उस कार्यक्रम में खूब मजा करने वाला हूँ। क्योंकि वो कार्यक्रम नहीं, समझ लीजिए कि एक भाई का तिलक समारोह है मेरे पंकज राय जी का, और महेश्वर राय मुखिया जी, ग्राम तेलाड़ भोजपुर, और वहाँ पे मेरा कार्यक्रम है। हम सारे भाई वहाँ रहेंगे, बहुत सारे कलाकार भी आएंगे आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेने। एगो हमारा गाना रिलीज भइल बा यारे बड़ा, और नथुनिया एक नंबर ट्रेंडिंग पे है, हमारा बुनिया जो है वो 5-7 नंबर ट्रेंडिंग पे है। तो दिल से प्रणाम है कि आप लोग ऐसे ही जिस तरह प्यार देते हैं उसी तरह देते रहिए। मेरा एक सिनेमा रिलीज हुआ है जिस सिनेमा का नाम है दुल्हनिया लंदन से लाएंगे, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ, थोड़ी सी भीड़ कम है इसलिए क्योंकि प्रचार बहुत लेट बताया गया जनता को, लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि वो सिनेमा बहुत ही खूबसूरत है, इंटरटेन से भरा हुआ है, और एक पारिवारिक समस्या से वो सिनेमा बनी है। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद उस सिनेमा को दीजिए, क्योंकि सिनेमा को प्यार दीजिएगा तो शायद हमारा भोजपुरी बड़ा होने वाला है, और हो ही रहा है। धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा योगदान आप सबका रहता है। तो गाना बजाइए जी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर उस गाने का है ए बी गुप्ता, मैंने अनिल गुप्ता, अमित बिहारी अमित गुप्ता ना। चलिए भाई, मैं अपने गाने के श्रेणी सिर्फ खुद को ही नहीं लेता, बल्कि ये मेरा अमित भाई है जो कि गाना बनाए हैं। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर को देख ही लिया अपने, एक राइटर इधर भी हैं हमारे जो उस गाने को लिखे हैं, आधा जिंदा, संतोष राजा। वो भी लड़का उस गाने के लिए मेहनत किया है, हमारे बाबा ने मेहनत किया है, बाकी जो बचा है मैंने किया है, सबके सहयोग से, बेदर्दी भैया सबके सहयोग, बेदर्दी जी ने, पवन बाबा ने, ये देखिए हमारे राजीव शर्मा जी है, और ये इनको तो आप लोग जानते हैं, ये पर्चे के मोहताज नहीं है, इनको कौन नहीं जानता। विवेक सिंह जी हैं ये, तो इनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा, आशीर्वाद अब दे। ये चिकू है हमारा, ये मुकेश है जो कि बहुत खूबसूरत गाना लिख, इसका आने वाला है बहुत तगड़ा, आप लोग हिल जाइएगा। और इधर देखिए, ये भी एक जीव है, कभी भी लाइव आके किसी को कुछ भी बोल देते हैं, जीव है। ये संजय जी हैं, ये हमारे रोशन राज जी हैं, हमारे पवन बाबा उधर कोने में बैठे हैं। तो गाना बजाओ बाबू, ए बी गुप्ता जी। वाह, ये सारे म्यूजिक वर्ल्ड पे अलगे बिछावना करो, सुतब नहीं साथ में, कितनो बुलाई बहुना आई की तुहरा बात में, बैठ जाओ। अलगे बिछावना करो, सुतब नहीं साथ में, तू तो मौका के फायदा उठाइए ले बा, एक उम्र लड़ कैया वाला मुआइए दे बा, एक उम्र लड़ कैया वाला मुआइए दे बा। चलिए, यही गाना आज खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्यार और खेसारी म्यूजिक को जल्दी से 10 मिलियन करवा दें, जल्दी और ट्रेंडिंग में इस गाने को ट्रेंडिंग में जल्दी से लाइए, क्योंकि रील पे आ गया है गाना, तो जल्दी से रील आप लोग बना के, बेहतरीन रील बना के भेजिए ताकि मैं शेयर करूँ उसको, और मैं भी बनाऊँ आप सबके साथ।
तो कोशिश करिए क्योंकि जल्दी से ट्रेंडिंग में है, क्योंकि खेसारी भाई जो और नथुनिया बहुत बज रहा है, कोको कोला बज रहा है, एक स्पीड रिकॉर्ड का गाना बज रहा है कि सुइए से मुई दरा दिया राजा सुइए से मुई सैया जी सबर कर भी बज रहा है। सैया जी सबर कर आदि शक्ति से पवन बाबा ने लिखा है। एक और गाना आदि शक्ति से बाबा का लिखा हुआ गाना आ रहा है, बहुत बड़ा गाना, कॉमेडी सॉन्ग है वो। और आदि शक्ति तो आप ही के जिम्मे हो गया है। एंगल म्यूजिक से भी आ रहा है, गणनायक से आ रहा है, बालाजी रिकॉर्ड से आ रहा है, मैंने बहुत सारा बाबा का लिखा हुआ गाना रहा है, अन्नपूर्णा फिल्म से आ रहा है, फिर ब्लू बीट भी है एक है अभी तीसरी से एक बड़ा गाना आ रहा है। कभी भोजपुरी में सबसे ज्यादा रोड पे भैया गाना बज रहा है, कोको कोला और नथुनिया, इसको लोग आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं। हम गांव से 10 दिन पूरा रोड पे हर जगह आपका गाना बज रहा है, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, उसके बेहतरीन गाना नहीं, वो साफ सुथरे गाने, इतने अच्छे गाने बज रहे हैं। बात बताएं आपसे, रामायण में चर्चा राम की अच्छाइयों को हुई थी, इसलिए रामायण को पूछा गया, नहीं तो वाल्मीकि जी ने कुछ अलग ही लिखा था। तो हर घर में दुल्हा दुल्हन डांस कर रहे हैं जिस गाने पे, इससे बड़ा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज की देखिए, जब अच्छाई को आप प्रमोट करिएगा तो हर आदमी अच्छाई सुनने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप बुराई की तरफ जाइएगा और बुराई को ढूंढ ढूंढ के निकालिएगा तो लोग उसको सर्च करेंगे ना, लोग वहाँ सर्चिंग में आ जाएंगे कि हाँ ऐसा भी था क्या, तो जानबूझ के सर्च हो जाता है। सबर करिए, हाँ हाँ बाबा बोल दिए, कितना प्रमोट करे हमारे आदि शक्ति, छोटी कंपनी नहीं है बाबा, उसके बारे में मैं बोलूं मैं छोटा अच्छा लगता नहीं है। तो दिल से प्रणाम आप सबको, कैसे ही आज जो गाना मेरा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज हुआ है, मेरी खुद की कंपनी है, तो आप उसको प्यार और आशीर्वाद और सब्सक्राइब भी करिए। और राजा बाटे उमर लड़कियां वाला मुआइये देवा, एक पति और पत्नी का नोक झोंक है, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ए बी गुप्ता और उसके वीडियो डायरेक्टर हमारे आशीष सत्यार्थी और डांस मास्टर अनुज मौर्या जी, और कैमरामैन हमारा शाहिल था, तो और एक ग्लोबल जंक्शन के माध्यम से सीमेस पे यह गाना मेरा रिलीज हुआ है। हमारे राजकुमार सिंह जी जो कि मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बड़ा प्यार देते हैं मुझे, और एक्ट्रेस हमारी रक्षा गुप्ता जी हैं जो कि बहुत बेहतरीन काम की हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अपने माध्यम से जिन्होंने मेहनत किया है उनकी नाम उनकी चीज़ों को दुनिया को बताना, क्योंकि हर आदमी को एक खुशी होती है कि मुझे यार मैंने काम किया और मुझे वो प्रतिमत क्या बोलते हैं उसको हाँ वही इम्पोर्टेंस हाँ वही जो होता है मैंने अहमियत अहमियत हाँ सबसे नेक्स्ट अहमियतें कह देते हैं, अब उस पर भी लोगों को प्रॉब्लम हो गई इनको बोलने नहीं आता यार, ठीक है मुझे नहीं आता है बोलने, बट आप मैं लोगों के प्यार में हूँ ना क्या जी, बिल्कुल मायने ये नहीं रखता है। देखिए संगीत का कोई पढ़ाई होता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मनोरंजन का कोई पढ़ाई नहीं होता, संगीत पढ़ा जाता है, संगीत सीखा जा सकता है, बट लोगों के दिल पे राज करने के लिए आपके अंदर हुनर अगर अच्छा हो तो आपको शकल की जरूरत नहीं है। और ज्ञानी मंच पे होता है लेकिन मनोरंजन में ज्ञान नहीं होता, मुझे लगता है कि मनोरंजन तो दुनिया को झुमाने के लिए, और दुनिया में कोई भी दुनिया जो भी बोले अलग मैटर है, लेकिन संगीत का कोई और मनोरंजन अश्लील नहीं हो सकता है, अगर मनोरंजन अश्लील होता तो शायद वो दुनिया अपने घर के अपने बारात में अपने चीज़ों में नहीं बजाती, इसका मतलब हमारी दुनिया अश्लील है अगर वैसे गाने को प्रमोट दुनिया कर रही है तो वो कोई छोटी छोटी बातें हैं। और सब लोग अच्छे हैं, सबको भगवान सबका भला करे, मेरी शुभकामना है सबके साथ, चाहे वो मेरा दोस्त हो और चाहे वो जो मुझे पसंद ना करते हैं, उनके लिए भी उनके जीवन अच्छी चले, मेरी शुभकामना सबके साथ है कि आप लोग प्यार दीजिए, भोजपुरी कैसे बड़ा होगी उसके लिए हम सबको सोचना है, हम सब लोग पहल करेंगे तभी जाके चीज़ें बड़ी होगी। और आज जो गाना रिलीज हुआ है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे कि राजा दूरे रही राजा जी, दूरे रही राजा जी आप डालिएगा तो, और उसको प्यार और आशीर्वाद है, जल्दी से 10 मिलियन करिए और अभी ट्रेंडिंग में तुरंत लेके आइए उसको, मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से आप ट्रेंडिंग में लेके आइए ताकि मैं फिर से आप सबके साथ रील बनाऊं और शेयर करूं आप सबको, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और इधर रीनी है, रीनी चंद्रा जो कि हम लोगों की एक बेटी की तरह भी है, हमारी बहू भी है और सारे रिश्ते हमारी बहन भी है, तो एक महिला से बहुत सारे रिश्ते जुड़ते हैं इंसान के। और इसने पानी पानी गाया था गाना जो कि मुझे लगता है 100 मिलियन के आसपास होने वाला है, जो कि सारेगामा हम भोजपुरी पे वो रिलीज हुआ था,
तो आप लोग जल्दी से प्यार दीजिए उसको भी, जल्दी 100 मिलियन करिए ताकि उसका भी हम लोग केक काटे आप सबके बीच में। आप लोग इतने प्यारे हैं ना कि हम कुछ भी करते हैं तो आपके बीच में ही लाते हैं, और आप दुखी होते हैं तब भी आते हैं, खुश होते हैं तो आना ही है। तो इसीलिए जल्दी से आप लोग लग जाइए काम पे, उसको जल्दी से जल्दी ट्रेंडिंग में लेके आइए। दिनों के बाद तीन तीन गाने को भोजपुरी में सबसे ज्यादा मोहब्बत मिला, अभी आप रोड पे सबसे ज्यादा बज रहे हैं, मतलब दिखावा नहीं है, इलाही में नहीं बोलना। आप बोलेंगे तो अलग हो जाएगा, लोगों को लगेगा मतलब ये सच्चाई है, जो सच्चाई होती है उसको बोलने में क्या है, उसको सबसे ज्यादा दर्शकों का प्यार। दोनों गाना सोबर है, लेकिन एक आदमी कोई अच्छा न्यूज नहीं बनाया उस पे कोई नहीं, कि नहीं बहुत अच्छा अच्छा गाना, इतने अच्छे गाने की अच्छाई को देखिए, अच्छाई को बार बार अगर प्रमोट करिएगा ना तो दुनिया उसी के पीछे भागती है, लेकिन बुराई को आप बार बार प्रमोट करिएगा ना तो दुनिया को लगेगा जे नहीं। और हम प्रेजेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है कि सोशल साइट पे तो अपने भोजपुरी के भाषा का तो गंदा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस बातों को हर कंट्री के लोग देखते हैं, हर राज्य के लोग देखते हैं, हर भाषा के लोग उस चीज़ को देखते हैं, तो उसमें हमारा भाषा बदनाम होता है। तो इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया है, सबके लिए प्रतिक्रिया है, उसके लिए कानून है, सरकार है, हमारे लिए भी कानून है, आपके लिए भी कानून है, तो कानून की प्रतिक्रिया हर आदमी को करके जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय सबको न्याय देता है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो जो गलत करता है कि मेहनत देख के सब विरोधी बीमार हो जाते हैं। नहीं, बात ऐसा है कि मेहनत से किसी को पीछा करिएगा ना तो शायद आप आगे बढ़ जाइएगा, जितना लोग मेरे को गिराने में मेहनत लगाते हैं उतना अगर खुद को बनाने में मेहनत लगा ले तो मुझे लगता है कि उनकी किस्मत बदल जाएगी। और दुनिया के किसी भी इंसान के लिए मेरा कहना यही होता है कि अगर आप किसी को गिराना चाहते हैं तो आपको गिरना पड़ेगा, आप जब तक नहीं गिरिएगा नहीं गिरा पाइएगा उसको, क्योंकि उसके पास भी तो ताकत है, ऐसा थोड़ी है जब वो खाली थी चुआट पी के तो वैल नहीं वो दूध पिए ला। तो जीवन में केहू भी बात सबके बताओ तनी, आप जितना किसी को गिराने और किसी की बुराई करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर आप खुद पे मेहनत करिए और खुद को बड़ा करने की कोशिश करिए तो कोई भी दुनिया में आदमी बड़ा हो सकता है, बशर्ते उसके पास अपना मेहनत और लगन से होना चाहिए, उस चीज़ों के लिए सोचना चाहिए जो चीज़ आपको बड़ा कर सकती है। अपने माँ बाप को ऐसे ही प्यार करते रहिए और उनके सम्मान में हमेशा रहिए, कोशिश करिए कि आपके किसी बात से किसी को तकलीफ़ ना हो, और दुनिया आपके माँ बहन को गाली ना दे, दुनिया आपके चीज़ों को बुरा ना बोले, क्योंकि कोई भी माँ किसी भी बेटा को पैदा करती है तो ये सोच के करती है कि मेरा बेटा, और कोई भी बाप अगर पैदा करता है तो सोचता है कि मेरे बाप का नाम, मेरा बेटा ऐसा काम करे कि मेरा नाम हो। तो मैं हर बेटे के लिए बोल रहा हूँ, मैं भी अपने बाप का बेटा हूँ, मैं भी अपने माँ का बेटा हूँ, लेकिन आज मेरे पास मुझे लगता है कि करोड़ों प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा लोग प्यार करते हैं आज मुझे। मेरे माँ बाप तो ठीक है, मैं उन्होंने पैदा किया, लेकिन आज सम्मान और शोहरत आप सबने दी है तो मैं इसको भी नहीं भूल सकता। उनके मेरे जीवन में मेरे माँ बाप की अहमियत तो भगवान की तरह है, लेकिन मेरे जीवन में आप सबकी भी अहमियत भगवान की तरह ही है, तभी मैं इतना कभी कभी हो जाता हूँ इमोशनल, ठीक है चलता है। और सिनेमा जो मेरा रिलीज हुआ है उसको इतना प्यार दीजिए ना जितना किसी को नहीं मिला, और मुझे पता है आप देंगे। एक्चुअली 5 बजे सुबह में, और हमारे एक तेजस्वी जी हैं इधर, बहुत अच्छे, आइए बाबा तेजस्वी पाठक। ये तेजस्वी पाठक जी हैं जो कि बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, और बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छे म्यूजिक भी करते हैं, तो इनको भी प्यार दीजिए। ये बक्सर से हैं और हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार, तो ये ब्राह्मण कुल के आदमी हैं, और हमेशा आशीर्वाद लेना चाहता हूँ मैं ब्राह्मण परिवार से, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सबसे ज्यादा रहने वाले ब्राह्मण कुल के ही लोग होते हैं। रीजन की चड़क्या का नीति बहुत जरूरी है दुनिया में अपने आप को चलाने के लिए, ऐसा नहीं है, सब लोग प्यारे हैं और मैं सम्मान देता हूँ इसलिए लोग मेरे साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के साथ जबरदस्ती है, सब लोग को सम्मान मिलता है और लोग रहते भी हैं, और शुरू से लोग मेरे साथ अपना प्यार और आशीर्वाद दिए, और सुबह सुबह हम ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो अपने गांव के, अगर वो 5 साल का बच्चा भी है, उस ब्राह्मण परिवार के बेटे को भी पैर छूता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं मेरे गुरु जी कमलाकांत मिश्रा जी, मैं तो सबको गुरु की तरह ही मानता हूँ, उन्हीं के हिसाब से मैं सबको प्यार करता हूँ, सबको करता हूँ, ऐसा नहीं कि किसी को पर्टिकुलर किसी इंसान को करता हूँ, कोशिश रहती है। तो दूरे रहीं राजा जी, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज हुआ है, नथुनिया एक नंबर ट्रेंडिंग पे आज 2 दिन से है, कोको कोला आप लोगों को कितना प्यार दिया आपने, खुद ही आपको पता होगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, नथुनिया कितना बज रहा है, वेव का एक गाना जो मेरा है बुनिया, वो कितना रोड पे बज रहा है, से लेकर स्पीड रेकर से लेकर सारेगामा से लेकर और हरदी से लेकर झगड़ा से लेकर कजरा तक, बुनिया 5 नंबर ट्रेनिंग बुनिया 5 नंबर ट्रेनिंग पे।
तो ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए और जल्दी से इसको भी ट्रेंडिंग में लाइए। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड का गाना ट्रेंडिंग में ना आए, हो सकता है, हो सकता है, हमेशा आपने लाया है। तो कोशिश करिए, शेयर करिए, खूब दबा के रील बनाइए और शेयर करिए, ताकि मैं भी आप सबका प्यार ऐसे ही लेते रहूं। थैंक यू सो मच, ऑल लव यू।